क्या बना रहे हो? चावल, इसमें मटन, एक एक के जीवन में गला होटलों को खोलिए प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से प्यारे पिता परमेश्वर की गीत गा सके। प्रभु जी हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस जगह में प्रभु आपकी नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु एक एक के जीवन में प्यारे पिता परमेश्वर ओ नाम भाई ये नाम आशीष दीजिए, ताकि किसी प्रकार की वेदान करने वाली तमाम अंधकार की ताकत मेरे यीशु नासरी के नाम से लौट हो जाने पाए, और हम एक चीत मन होकर के भजन कर दाऊद की नई प्यारे पिता परमेश्वर गीत गा सके। प्रभु आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्यारे पिता परमेश्वर, जहाँ मेरे नाम से दो या तीन इकट्ठा होते हैं उस जगह में हाजिर होता हूँ कहता है आपकी वचन। प्रभु पूरी होने दे, प्रेम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को दे। Hallelujah, praise the Lord. Thank you.
ख्रिस्त जन्मोत्सव 2022 में है। यीशु को मानते हैं, कितने हद तक आप प्रभु यीशु को जानते हैं, पर हम उनके लिए भी कहना चाहते हैं जो 0% में यीशु को मानते हैं, जो आज बिल्कुल नहीं जानते ना, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे मित्र हो सकते हैं, हमारे परम मित्र हो सकते हैं, हमारे जान पहचान वाले हो सकते हैं और हमारे दूर के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, लेकिन इस वचन के अनुसार इस बात को कहता है कि यीशु जो धरती पर आया है और जो आनंद का सुसमाचार बनकर आया है वो एक जन के लिए नहीं है, एक कौम के लिए नहीं है, वो सब लोगों के लिए है। जो आज यीशु को जानते हैं उनके लिए तो है, पर जो नहीं जानते उनके लिए भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। हमारा बचना काफी है, औरों को बचाना होगा, हमारा बचना ही काफी नहीं है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु का वचन यहाँ पर हमें इस बात को कहता है, मत डर, क्या ना कर, और मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। इन बातों से प्रतीत होता है कि उस समय ये जो उद्बोधन उन्हें दिया गया, ये उद्बोधन उन्हें मिला जब एक अद्भुत व्यक्ति उनके बीच में प्रकट हुए और उनसे जब बात करना शुरू किए, सारे के सारे लोग भयभीत हो गए, क्योंकि रात आधी थी और अंधेरा था, है ना, और जंगल में पाए जाते थे और ये डरे हुए थे, और इन चरवाहों का डर इस बात का भी चित्रण करती है उस जमाने की, जो वर्तमान जो उस काल के लोग थे उनके अंदर में भी एक डर थी। इस प्रकार की डर थी, डरे था क्योंकि यीशु के आने से पहले और उसके बाद भी और आज भी बहुत सारे लोग एक मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, एक मसीहा, एक उद्धारकर्ता, एक मुक्तिदाता, एक ऐसा व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं जिसके राज में शांति होगी, जिसके राज में भुखमरी नहीं होगी, जिसके राज में लड़ाइयां नहीं होंगे, जिसके राज में सुख और चैन और आराम होंगे, सबके लिए समान अधिकार होगा, सबकी समान सम्मान होगी। एक ऐसे राज की कल्पना कर रहे थे और एक ऐसी राजा की वो इंतजार कर रहे थे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय है। जब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। रुक जाइएगा, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। प्रियो, क्या आपको मालूम है, पहली क्रिसमस, वो पहली रात जिस रात को यीशु का जन्म हुआ, जरा कल्पना करें वो रात कैसी रात थी। आपको पता है जितनी आनंद आज हम मना रहे हैं, जितनी खुशियां हम बांट रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं, लोगों के साथ हम साझा कर रहे हैं,
हम नए वस्त्र खरीद रहे हैं, हम एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं, एक दूसरे के पास हम जा रहे हैं और एक दूसरे की हालचाल हम सुन करके एक दूसरे के लिए हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं। पर आपको मालूम है पहली क्रिसमस जिस रात को यीशु का जन्म हुआ इतनी आनंद नहीं मनाई गई थी मुझे लगता है। हेलो मैं बोलूंगा हेलो बोलने से हाय बोलिए ना। हेलो हालेलुया। पीछे वाले माता लोग हालेलुया, भैया लोग हालेलुया।